हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर दैट मैंने मेरा इंग्लिश का एग्जाम कैसा गया एंड मैंने उसके लिए कैसे प्रिपेयर करा था। सो देखो, जब मैं अपना हिंदी का एग्जाम देके 21 को घर आई थी, सो देन आई डिसाइडेड कि अभी मैं आज रात को ही इंग्लिश ग्रामर के लिए प्रिपेयर कर लूँगी। तो मैंने वैसे ही करा और डियर सर का वीडियो देखा, बट नो हेट, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट कि मेरा उस वीडियो से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था, लाइक सीरियसली। तो उसके बाद मैंने 22 को डिसाइड किया ग्रामर छोड़ो, अभी मैं लिटरेचर करती हूँ। डेट्स व्हाई मैंने ये फर्स्ट लाइट वाली बुक स्टार्ट करी। मैं एक ऐप है जिसका फोटो देख सकते हो, तो मैंने इसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। दिस इज़ अ रियली नाइस ऐप, ठीक है। आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी इसको प्रेफर कर सकते हो, कोई सा प्रमोशन कुछ नहीं है। मैंने भी बस ऐसे सर्च किया था प्ले स्टोर में, मुझे जस्ट मिल गया, तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे संग शेयर करी। बहुत बढ़िया ऐप है। तो इसकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे हर एक चैप्टर के, इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया था एक बुक को कंप्लीट करने में। तो मैंने टाइम लिया इस बुक पूरी बुक को कंप्लीट करने में 2 दिन, ठीक है। 22 को मैंने एज ये बुक स्टार्ट करी थी, तो 23 को ही कंप्लीट हुई। देन 23 को मैंने थोड़े राइटिंग भी करी थी, वैसे मैंने अनसीन पैसेजेस भी लिखा हुआ है, बट मैंने 23 को अनसीन पैसेज नहीं करे, ठीक है। मैंने राइटिंग करी, राइटिंग में मैंने 3-4 लेटर प्रैक्टिस करे, ठीक है, और 2 पैराग्राफ करे थे एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। फिर 24 को मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी सेकेंड वाली बुक, नहीं दोनों बुक का ना लाइव था, मतलब वो क्रिएटिव लर्निंग करके यूट्यूब चैनल है, आप जानते होंगे। सो उनका लाइव था, ठीक है। तो लाइक मैं इतना ज़्यादा रिग्रेट फील करी कि मैंने ग्रामर उनसे क्यों नहीं पढ़ी लाइक स्टार्टिंग में, क्योंकि उनने उनकी वीडियो इतनी ज़्यादा क्रिस्प और इतनी ज़्यादा सही थी ना यार। मतलब फिर ये 24 का क्लिप है, तो 24 को एज मैंने वहाँ पर अपनी सेकेंड बुक मेरे को करनी थी, तो मैंने उस दिन उनका लाइव भी अटेंड किया एंड उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, सच बोल रही हूँ, मेरे एग्जाम में, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पे अपनी सेकेंड बुक भी उसी दिन कंप्लीट करी, ठीक है। अब ज़्यादा क्या ही करती मैं, लेकिन मैंने उस दिन कैसे पढ़ा था कि रीडिंग लगाई थी बुक की हल्की फुल्की, और या फिर मैंने लास्ट में तो मैं रीडिंग भी नहीं लगा रही थी, बस चैप्टर का लेक्चर देख ले रही थी और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कर तो रही थी, बट यार इस बार बहुत अलग क्वेश्चन आने वाले थे ना, तो ऐसा कोई अच्छा वाला सोर्स नहीं मिला था मेरे को जहाँ पे मैं उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूँ चैप्टर वाइज। बट मैंने खरीदी दीदी की वीडियो तो करी थी, सो मैं थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंट तो थी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा देती हूँ डट हाउ आई वाज प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही थी, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस था, तो ये तो काफ़ी इजी है, राइट। बट जो एग्ज़ाम में आया था ना एक्सट्रैक्ट बेस्ड, वो बहुत हार्ड था, मतलब उसमें आपसे टोन भी पूछी है, ये वो पता नहीं बहुत सारी चीज़ें उसमें पूछी हुई थी, तो वो थोड़े से मेरे को ट्रिकी लगे थे, हार्ड लगे थे। ये वाले तो बहुत ईजी थे, लाइक प्रीवियस ईयर वाले भी थे इस ऐप में, तो ये तो बहुत आसान थे यार। लेकिन जो हमारे उसमें आए थे ना बहुत मुश्किल मेरे को लगा, ठीक है। मैं अभी आगे आपको अपना पेपर दिखाऊंगी ना, तो आपको देखे मैं दिखा लूँगी कि कैसा आया था, ठीक है। तो बस ऐसे ही मैंने अपना 24 को मैंने ऐसे ही करा था। देन फिर 25 को मेरे को अपना ग्रामर करनी थी एंड मैं थोड़ा मेरे को एनालिटिकल पैराग्राफ में थोड़े से डाउट्स थे, तो वो मेरे को करना था। बट गाइज मुझे एंड में सैम्पल पेपर करने का टाइम नहीं मिला। सैम्पल पेपर मेरे को बस इसलिए करना था लाइक जस्ट मुझे देखना था कि मेरा टाइम मैनेजमेंट वगैरह के लिए, बाकी मैंने जस्ट गो थ्रू कर लिया था लेवल वगैरह देखने के लिए क्वेश्चंस का। एंड बस मुझे एक ही चीज़ का रिग्रेट था कि मैंने एक भी अनसीन पैसेज का प्रैक्टिस नहीं करा था। एंड जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आपको बहुत सारे अनसीन पैसेजेस प्रैक्टिस करने चाहिए, बट मैंने एक भी नहीं करा, तो बस मेरे को उसी चीज़ से डर लग रही थी। एंड जब मैं गई तो फिर मतलब एग्जाम देने, तो लाइक अनसीन पैसेज वाज क्वाइट ईजी, मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगा, बट लाइक मतलब सही लेवल था, ठीक है। सैम्पल पेपर का भी आई डोंट नो ज़्यादा था, मतलब मैंने सैम्पल पेपर वाला सॉल्व नहीं करा तो मेरे को पता नहीं है, बट मेरे को ये ईजी लगा, ठीक है, ये वाला ईजी लगा। अब भी पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। एंड जो ये सेकेंड वाला है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, तो ये वाला मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लगा, थोड़ा समझने में को समझ में नहीं आया था कि क्या बोल रहा है ये, रोटेशनल फार्मिंग कुछ ऐसे टाइप का था, मतलब ठीक ठीक था, ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक था। बट इससे मुझे ये टेबल समझ में नहीं आया कि टेबल से बताना क्या चाह रहे हैं हमें। फिर तो इसमें ना जो ये वाला क्वेश्चन था, इसका मैंने फर्स्ट का ओपिनियन करा एंड सेकेंड वाले का सब्जेक्टिव जजमेंट किया, बिकॉज इट वॉज लाइक अ काइंड ऑफ ओपिनियन, नॉट अ फैक्ट, राइट। एंड ऐसे ही करके मैंने अपना अनसीन पैसेजेस वाला अटेंड करा था। एंड अब मैं ये वाला का ही बता देती हूँ, तो इस वाले का मेरे को थोड़ा सा डाउट है मैंने लाइक क्या करा था, बट जहाँ तक मेरे को याद है मैंने इसका बी वाला करा था, क्योंकि मैंने कुछ पैसेज में भी सस्टेनेबल करके पढ़ा था, तो शायद मैंने इसलिए ये वाला करा। देन मैं सीधे अपना सेक्शन सी पे आई थी लिटरेचर वाले, बिकॉज यार मैं इतना पढ़ के गई थी, तो अगर मुझे एंड में टाइम नहीं मिलता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीधे इसमें आई। तो हमारे पास एक्सट्रैक्ट में ऑप्शन था या तो मिजबल द ऑर्डर या फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो मैंने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाला करा। एंड लाइक मेरे को एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा हार्ड लगे, एंड ग्रामर, ये दो चीज़ें मुझे हार्ड लगी थी। सो एज आप देख सकते हो उसमें हमें बताना है कि ग्रिफिन कैसा इंसान था, तो चलो ये तो ईजी था, ठीक है। इसमें मैंने ऐसे लिख दिया कि वो एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान था और उसे किसी की कंपनी नहीं चाहिए थी। एंड फिर ये जो ट्रू फॉल्स वाला है, तो इस पर तो मेरे को जहाँ तक याद है मैंने जितने भी ट्रू फॉल्स वाले अटेंड करे थे उन सब में मैंने ट्रू ही करा था, सबको ट्रू करा था, फॉल्स मैंने एक को भी नहीं करा था, तो इसको भी मैंने ट्रू ही करा था। एंड उसके बाद हमें इट वॉज नॉट
डिफिकल्ट। हाँ फिर ये जो वाला क्वेश्चन था थर्ड पार्ट वाला, इसमें मैंने बस मतलब ये मेरे को ठीक ही लगा यार, इजी था ये वाला तो। लाइक मैंने ऐसे ही लिख दिया था कि उसने एक्सीडेंट हुआ था तो इसलिए उसका फेस ख़राब हो गया, ये वाली बात उसने बताई थी और लैंडलॉर्ड को। लाइक ठीक है, उसका जो ये अजीब सी अपीरियंस थी उसके लिए। देन ये वाला के लिए मेरे को लास्ट वाला समझ में नहीं आया, ये सेट ऑल टोंग इज वैगिंग, इसका क्या मतलब होता है। तो मैंने इसके लिए कुछ लिखा था, ठीक है, मैंने लिखा था, ऐसा नहीं है छोड़ा था, बट मैंने लिखा था इस पर, बट ये थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया था। उसके बाद जो सेवन्थ वाला है उसमें हमारे पास सेवन्थ क्वेश्चन में, फिर हमारे पास पोएम्स में एक्सट्रैक्ट में हमारे पास ऑप्शन था, या तो तुम टाइगर इन द जू वाला करो या फिर तुम द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन वाला करो। तो मैंने ये वाला करा, अ टाइगर इन द जू वाला। तो और सारे क्वेश्चन तो चलो छोड़ो, मैं सिर्फ एम सी क्यूज़ की बात करती हूँ। तो जो थर्ड वाला है ये एम सी क्यू, इसमें द लाइन्स फ्रॉम द पोएम टेल अस दैट द टाइगर इज़। तो मुझे लगा कि टाइगर यही तो चाहता है ना कि वो केज से फ्री हो जाए, तो इसलिए मैंने डी वाला ऑप्शन कर दिया, वॉन्टिंग टू बी फ्री फ्रॉम द केज, राइट। बट इसका सही आंसर अभी मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है, मैंने अभी तक कन्फर्म नहीं करा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है अभी इसका सही आंसर बी है, ठीक है, वो बींग इनडिफरेंट टू विजिटर्स बिकॉज इट इज़ अ डेली रूटीन फॉर हिम। क्योंकि मतलब वो रोज ही तो उन विजिटर से मिलता है, तो मतलब मेरे को भी लग रहा है, और इग्नोरिंग द विजिटर ऊपर लाइन भी है, तो उस हिसाब से ज़्यादा यू नो करेक्ट आंसर विल बी बी वाला। सो अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ठीक है, तो हो सकता है मेरा 1 मार्क्स यहाँ पे कट हो जाए, बिकॉज अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने इसका डी नहीं, इसका बी होगा। फिर उसके बाद जो नीचे दिया हुआ है इसमें हमें बट ही इज़ लुकिंग इन द कॉन्क्रीट सेल, इसमें हमें पोएटिक डिवाइस बताना है। तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्योंकि इसमें कोई वर्ड रिपीट भी नहीं हो रहा, ना कोई कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट हो रही है। तो जस्ट मैंने इसमें कर दिया इमेजरी, क्योंकि इसको पढ़ के एक इमेज हमारे माइंड में क्रिएट हो रही है, तो मैंने वो कर दिया। आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग और राइट। देन उसके बाद गई सब मैं फटाफट फटाफट बताती हूँ। तो नेल्सन मंडेला वाला और ये सारे क्वेश्चंस ना यार, मैंने ये वाले चैप्टर काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़े हुए थे, तो इनके जैसा ही मैंने आंसर करा ना, मतलब उसे मुझे 3 तो मिलने ही चाहिए। तो बॉल बॉय में मेरे को 3 मिल जाएंगे, एंड नेल्सन मंडेला में भी, एंड कोर्क वाले में भी। कोर्क वाला तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, तो उसमें तो बड़े आराम से मेरे को 3 मिल जाएंगे। मैंने इसमें जितनी भी इसकी चीज़ें थी, मार्शल मैंस, ब्यूटीफुल वुमेंस, और जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें लिख दिया था, तो उससे मेरे को मिल ही जाएंगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर लिख दिया था, बट सही सही लिख दिया था। फिर वैसे अमांडा वाले में मेरे को मिल जाएंगे, मैंने बहुत कुछ उसकी उसकी मम्मी के बारे में भी लिख दिया कि वो यू नो बहुत एरोगेटिव सी थी, तो जिसकी वजह से जो लाइक मतलब वो वैसे ऑर्फन नहीं थी, ठीक है, वो अनाथ नहीं थी, बट अमांडा, लेकिन क्योंकि उसने अपना एक नया वर्ड क्रिएट कर दिया जिसमें वो सिर्फ अकेली थी, इसलिए उसने खुद को ऑर्फन कहा था, तो वो एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। तो 4-5 लाइन में मेरा वो भी हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे ये वाला क्वेश्चन था, तो मैंने ये वाला अटेंड किया, तो हम लोग पॉज करके देख सकते हो, ठीक है, वैल्यू बेस्ड वाले में मैंने ये वाला अटेंड किया। एंड लाइक मैंने इसमें वही एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों को फेथ थी गॉड में, एंड लाइक एक को ग्रीफ थी तो एक को मतलब फेथ थी, मतलब वो सारी चीज़ें अटेंड कर दी। तो वैसे तो यार मेरे को उसमें 6 मिलने चाहिए, बट चलो ठीक है, मैंने इसमें खुद को 5.5 दे दिए। नाउ आई एम नॉट श्योर, ठीक है, मेरे को कितने मिलने वाले हैं, वो ऑब्वियसली बात है यार, मैं कैसे श्योर हो सकती हूँ। बट अभी ये जो 11 वाला है, 11 वाले में मैंने ये ऊपर वाला थीफ वाला करा, क्योंकि डायरी एंट्री के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए थे, तो डायरी एंट्री का मेरे को फॉर्मेट वगैरह भी पता था, तो टीचर को यार उस चीज़ में मेरे को 5.5 मतलब देने चाहिए, 6 तो देने चाहिए। देखो ग्रामर के लिए ना मैंने क्रिएटिविटी का ना पूरा लाइव देखा था, बट जैसे ये वाला क्वेश्चन ही देख लो, इसमें मैंने ये करके आई थी, जैसे आप बॉक्स में देख सकते हो, बट इसमें जस्टिफाइड वाज एरर और कॉमन था इसका करेक्शन, ठीक है। एंड फिर मैं थर्ड वाले की बात करूँ तो इसका मैं तुम्हें बताती हूँ। ओके, तो मैंने इसका करा था, सुनील आस्क्ड मोनिका इफ़ शी वॉज प्लानिंग टू विजिट हर होम टाउन ड्यूरिंग समर वेकेशन, ऐसा करके कुछ करा हुआ था, ठीक है। देन उसके बाद ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने ये ऑप्शंस के साथ था, तो इसमें सांभवी और अक्षत, इसका हमें जो डायलॉग था ना वो कंप्लीट करना था यहाँ पे, तो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ क्वेश्चन। सो मुझे इसका याद नहीं है कि मैंने कौन सा करा था, बट या तो मैंने बी करा होगा या फिर मैंने ए करा होगा, एंड आई थिंक इन दोनों में से ही कोई एक करेक्ट भी है। सो ज़्यादा चांसेस है कि मैंने बी करा हो, बट ये भी हो सकता है मैंने ए वाला करा हो। सो ये मेरा था। एंड उसके बाद मैंने ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन था वो तो अटेंड नहीं करा, क्योंकि हमें आउट ऑफ 12 ओनली 10 अटेंड करने थे, तो ये वाला मैंने नहीं करा, इसको मैंने छोड़ दिया। फिर आते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो इस वाले में लाइक अभी ये वाला भी एक ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे को पूरी लाइव देखने के बाद भी आई वॉज नॉट एबल टू डू, ठीक है, मतलब वो वाला तो चलो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सिमिलर थे, बट ये वाला तो मुझे समझ में ही नहीं आया, तो इसलिए मैंने इसमें ये वाला करा, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा मैं लाइक सेंटेंस में उसको पुट करके देख रही थी कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है, तो वाला करा। फिर जो सेवन्थ वाला क्वेश्चन था उसका मैंने चेंजेस करा, क्योंकि चेंजेस वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से बैठ रहा था ना, और वैसे भी एक बार थोड़ा चेंज होगा, चेंजेस तो कितने भी बार हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने वाला करा।
देन 8th वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे हैज़ बीन करा, इसमें मैंने BOT फार्मूला लगाया था क्योंकि इसमें एनी वन आया हुआ था तो इसलिए. फिर ये वाला का मेरे को याद नहीं मैंने क्या करा, मैंने ये वाला भी अटेंड किया था वैसे. देन इस वाले का मैंने द ड्राइव करा था. ओके देन लास्ट वाले में भी यहाँ पे BOT फार्मूला लग रहा था तो इसमें मैंने मे हैज़ टू करा क्योंकि मे थोड़ा मतलब हाँ मतलब मे लग रहा था ना, और ये बॉट फार्मूला से एवरीथिंग क्योंकि यहाँ पे है तो इसलिए बॉट फार्मूला यहाँ पे लग और रहा ये था. सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करी हैं. उसके बाद मेरे पास पूरा 1 घंटा बचा था राइटिंग सेक्शन के लिए, तो राइटिंग सेक्शन में मैंने ये फर्स्ट वाला लेटर अटेंड किया विच वॉज़ वेरी इजी वन. ठीक है, तो मैंने लेटर टू एडिटर ही करा था तो लेटर टू एडिटर वाला ही मैंने करा. ठीक है, उसका ही मतलब वो ज़्यादा आसान लगता है मेरे को. फिर मैंने यहाँ पे एनालिटिकल पैराग्राफ में मेरे पास 2 ऑप्शन थे तो मैंने ये वाला करा. ठीक है, तो इसमें भी मेरे 5 मार्क्स पक्के हैं एंड वो उसमें भी मेरे 5 मार्क्स पक्के हैं तो इसमें मेरे 5 आराम से आ जाएंगे. एंड इन सब के बाद मेरा लाइक 30 मिनट मैंने इसको आराम से दिए, मैंने अच्छी अच्छी राइटिंग में मतलब पूरा ये कंप्लीट करा था अपना. एंड फिर मैंने जस्ट थोड़ा बहुत अंडरलाइन वगैरह कर दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, एंड लाइक मार्जिनस वगैरह ड्रॉ कर दिए थोड़ा, एंड लाइन्स वगैरह ड्रॉ कर दी लाइक यू नो आंसर्स के बीच में. एंड ऐसे करके मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ. तो अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है बिकॉज़ आई एम गोइंग टू टेल यू मेरा साइंस का प्लान. आई नो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई बिकॉज मैं अपना पूरा लाइक एक्सप्लेन कर रही थी मैंने कौन से क्वेश्चन अटेंड करे एंड कौन से नहीं. तो अब मैं आपको बताती हूँ मेरा साइंस का प्लान. आज 26 को मैं अपना एक साइंस का सैम्पल पेपर लगाने वाली हूँ बिकॉज़ जैसे अब मैंने 2 बोर्ड्स हुए तो समय को ये समझ में आया जब तक आप स्टार्टिंग में सैम्पल पेपर नहीं लगाते हो तब तक आपको ये समझ में नहीं आता कि आपके कौन से वीक एंड कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है. तो इसलिए मैं आज सैम्पल पेपर लगाऊंगी 26 को. एंड 27 को मैं अपनी बायोलॉजी स्टार्ट करूंगी एंड मैं अपना ज़्यादा फोकस दूंगी उन टॉपिक्स को जो सैम्पल पेपर में आए हुए थे एंड जो ज़्यादा मेरे को हार्ड लग रहे थे. तो ऐसा करके मैं अपनी बायोलॉजी कंप्लीट करने वाली हूँ. एंड सिमिलरली 28 को फिजिक्स, देन 29 को ऐसे ही मैं केमिस्ट्री करने वाली हूँ. मतलब एक एक दिन मैं ये चार चार चैप्टर पांच पांच चैप्टर्स को ऐसे करके देने वाली हूँ. एंड देन फाइनली 1 को मैं साइंस का फाइनल सैम्पल पेपर लगाऊंगी. तब तक के लिए बाय.